हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFAS। कैसे हैं सब लोग? कमेंट बॉक्स पे लिखिए एवरीवन इज ऑल राइट। और सेशन को आप शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आ जाएं सारे के सारे। कमेंट बॉक्स जब इंटरेक्टिव रहता है ना, दैट इज अ गुड, उससे हमको भी अच्छा लगता है पढ़ाने में और आपको भी अच्छा लगेगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द अवर सीरीज, भूमि बोध सीरीज। इसको रिज्यूम करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो भी ज्योग्राफी में कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होती हैं उसके अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं इंपॉर्टेंट रेलेवेंट जो आए हुए हैं और इनकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है आगे आगे भी आने की, उनको हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो इन प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन महासागर है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ओके? आज हम लोग जो तीन महासागर और बच गए हैं, जैसे कि इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? तो सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। चल, गुड। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट, जैसे हम लोगों ने पहले कल भी मैंने बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से हमारी जो है ड्रिफ्टिंग हुई है। जैसे कि मैं जल्दी से 2 मिनट में इसको जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ कि इस तरह से पूरा एक लैंड मास था, अब वो लैंड मास जो है टूट कर इस तरह से कॉन्टिनेंट्स में बदल गया। इसे कहते हैं हम लोग पेंजिया, इट इज कॉल्ड एज पेंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट को कहा जाता था पेंजिया, और ये जो सुपर ओशियन है इसको कहा जाता था पैंथा लासा, ठीक है? पेंजिया का मतलब ऑल ऑफ लैंड और पैंथालासा का मतलब होता है ऑल ऑफ ओशियंस, ऑल राइट? ये ठीक है, चलिए। उसके बाद में एल्फर्ड वैगनर जी आए, उन्होंने क्या, उन्होंने अपनी थ्योरी दी। ये मैं बता चुका हूं, वी आर डूइंग दिस फॉर द रिवीजन पर्पस, कि 225 मिलियन ईयर से वो अपनी एक लैंड मास थी और वो अब इस तरह से आपको आज जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं सेवन हमारे, इस तरह से, ओके? उनका बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, कब उन्होंने पब्लिश किया था और कब उन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, इसको हमें पता होना जरूरी है। ये जो 5 एविडेंसेस हैं, दीज एविडेंसेस प्रूव कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी इज द रियल थ्योरी, इसमें दम है इस थ्योरी के अंदर, ओके? जिगशॉफिट, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, टिलाइट, ग्लेशियर डिपॉजिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो पांचों आपके पास सामने पॉइंट्स है ना, ये है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। जैसे इसमें फॉसिल्स दे रखे हैं, तो फॉसिल्स जो हैं वो अपने साउथ अमेरिका में मिल रहे हैं, अपने इंडिया में भी मिल रहे हैं और अंटार्कटिका में भी मिल रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज ड्यू टू दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है? तो हम लोग इसको स्किप करते हैं पार्ट को, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमने पढ़े थे ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, हम लोगों ने पैसिफिक और अटलांटिक के बारे में पढ़ा। पैसिफिक को अगर मैं रिवाइज करूं तो पैसिफिक इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द अर्थ, सबसे बड़ा और सबसे डीप ओशन है पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन सेकंड नंबर पर आता है। अटलांटिक जो ओशन है, दिस ओशन, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, दूसरा सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा सॉल्टीएस्ट, सबसे ज्यादा नमकीन जो महासागर है वो अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन की जो शेप है वो एस शेप की होती है, इस तरह से आप देख पा रहे हो, एस शेप का है। और मिड अटलांटिक ओशनिक रिज, मिड अटलांटिक ओशनिक रिज जो कि मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी रिज है, रिज क्या है, जो मैंने एस बनाया ना, जो लाइन बनाई है, ये क्या है, यहां पर डाइवर्जेंट बाउंड्री, मतलब बाउंड्री एक दूसरे से दूर जा रही है तो बीच में से लावा निकल आता है, और लावा निकलने के कारण जैसे ही वो ऊपर आता है, ठीक है ना, जैसे ही वो ऊपर आता है वैसे ही ठंडा हो जाता है। तो इतनी बड़ी सबसे इसको कहा जाता है मिड ओशनिक रिजेस। तो अटलांटिक के अंदर जो मिड ओशनिक रिज है ना, वो सबसे बड़ी है दुनिया, ठीक है, ये समझ में आया? फिर बाद में पैसिफिक ओशन की जो डीपेस्ट ट्रेंच है उसे मरियाना ट्रेंच कहते हैं, और अटलांटिक ओशन की जहां पर टाइटैनिक वगैरह जो डूबा था, मैंने कल आपको बताया था इसकी क्या थी, कमेंट बॉक्स में बताओ सब लोग कि अटलांटिक ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी थी। पैसिफिक की तो मैं बता रहा हूं,
ओके चलो आप बताइए। तो अब हम लोग थर्ड जो ओशन है हमारा वो है इंडियन ओशन। ओके इंडियन ओशन ये देखो, ये है इंडियन ओशन। ऊपर से कहां से गिरा हुआ है, एशिया कॉन्टिनेंट दिख रहा है इंडिया, लेफ्ट में अपना अफ्रीका, राइट में अपना ऑस्ट्रेलिया और नीचे क्या है अंटार्कटिका। तो इसके बीच में ये पूरा जो ओशन है, ये वाला ओशन कौन सा है, ये है अटलांटिक ओशन, और ये वाला दिस इज पैसिफिक, ये भी पैसिफिक है। ठीक है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो पैसिफिक ये भाग और वो जो वो वाला भाग है वो मिक्स हो जाएगा। तो पैसिफिक इज द बिगेस्ट, अटलांटिक और ये है अपना ओशन इंडियन ओशन। अब इस इंडियन ओशन को नाम इंडियन ओशन क्यों कहा गया अब इसके बारे में फैक्ट है स्टूडेंट्स कि थर्ड लार्जेस्ट जो भी पांच अपने ओशन है उनमें से तीसरा सबसे बड़ा ओशन है इंडियन ओशन। 20% भाग बनाता है अर्थ के वाटर का, 50% बनाता था पैसिफिक, पैसिफिक बनाता है 50%, अटलांटिक बनाता है 30% और इंडियन ओशन बनाता है 20% ऑफ अर्थ वाटर। आई बात समझ में? तो बेसिकली जो टॉप, ये जो टॉप तीन है ना, ये सारे के सारा ओशन वाटर बना लेते हैं। ओके गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या, गुड मॉर्निंग टू द क्लास, आइए। और इंडियन ओशन का नाम एक अपने इंडिया इंडिया के ऊपर रखा हुआ है ना, नाम ही इंडियन है। ऐसा क्यों रखा हुआ स्टूडेंट्स, इसके पीछे में एक ऐसा नहीं है कि मतलब हर रख दिया, क्योंकि इसकी मान्यता जस्ट बिकॉज कि इंडिया के पास में तो हमने इंडियन रख दिया, ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि ये जो शोर लाइन दिख रही है आपको, अगर मैं जूम करके दिखाता हूं, इंडिया की जो शोर लाइन है मतलब जो कोस्टल लाइन है, आपको पता है 7500 अप्रोक्सीमेट किलोमीटर ये जो शोर लाइन है, तो ये जो शोर लाइन सबसे लंबी मतलब सीमा लगाती है इंडियन ओशन के साथ में। और भी हैं बट ये जैसे तंजानिया है वो इतना सा ही लगा रहा है, तो कंट्रीज के छोटे छोटे बॉर्डर्स लगते हैं, बट हमारा इंडिया है वो बृहद भाग में फैला हुआ है, और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है वो एक मेजर बॉर्डर बॉडीज है, वो भी इंडिया के पास में है, इसलिए इस ओशन का नाम क्या रख दिया गया, इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बॉर्डर्स मैंने बता दिया आपको, एशिया है नॉर्थ में, अंटार्कटिका टू द साउथ, ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट और अफ्रीका टू द वेस्ट, तो इनके बीच में ये मौजूद है। ओके चलो, उसके बाद में इंडियन ओशन बॉस्ट एंड एरिया, अब इसमें एरिया है याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस आपको पता होना चाहिए कितना स्क्वायर किलोमीटर नॉर्मली है। ओके अगर तो ये 73 लाख, अगर हम इसको इंडियन मेजरमेंट में करें तो 7,34,40,000 स्क्वायर किलोमीटर ये इसने जगह घेर रखी है पूरे इंडियन ओशन। ओके और इसमें कौन कौन सी गल्फ्स आती हैं, ये देखो गल्फ पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है, रेड सी, अंडमान सी, अंडमान सी यहां है, ये रहा अंडमान सी, अंडमान बेसिन के पास में, अरेबियन सी ये रहा, बे ऑफ बंगाल, तो और भी इसी तरह के जो सारे सीज हैं, स्ट्रेट्स हैं यहां पर मौजूद है, पर्शियन गल्फ, रेड सी, अंडमान सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, फ्लोरेस सी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ ओमान, जावासी, मोजाम्बिक चैनल जो कि मोजाम्बिक के पास में है, सावुसी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ मलेशिया के ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का बड़ी ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तिमोर सी एंड अदर डिस्ट्रीब्यूटरी वाटर बॉडी। तो ये कुछ वाटर बॉडीज के नाम थे, हम लोग डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी अबाउट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभी आरुषि, शिवेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। यहां तक सबको क्लियर है, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, दिस इज फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन पर्पस कि अगर आपको पूछ ले कि फ्लोरेस सी, ये जो सी है ये कहाँ मौजूद है, तो आपको बताना है कि इंडियन ओशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते। इंडियन ओशन इज द यंगेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मेजर ओशन, मतलब अब ये देखो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा यंग जो ओशन है वो कौन सा है, पैसिफिक,
अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक, तो इनमें से आपको चार ऑप्शन दे देंगे और आपको आंसर क्या करके आना है, इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन सबसे यंग ओशन है। ओके, फिर आता आइलैंड्स। कितने सारे आइलैंड्स हमारे यहां पर है, कुछ कुछ है जैसे कि मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये है छोटे हैं, ये है बड़े आइलैंड्स हैं। तो इन आइलैंड्स से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोमोरोस आइलैंड कहां पर, कौन से ओशन में मौजूद है, कहां पर लोकेटेड है। यू हैव टू आंसर दैट इट इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन। ओके, और ये है लेफ्ट में आपके सामने एरिया, ये देखो लक्षद्वीप, सोकोत्रा, अंडमान निकोबार, बनियाक आइलैंड्स, सेशेल्स, कोमोरोस, ये रहा, ये जो आपके सामने हैंड दिख रहा है ना इसको फॉलो करते जाओ, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोकोस आइलैंड, क्रिसमस, बैरो, एम्स्टर्डम, सेंट पोल्स। आप सोचोगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सोचे पैसिफिक में होगा, बट दीज आर द आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एम्स्टर्डम, सेंट पोल, क्रोजेट, प्रिंस एडवर्ड, कर्ग्वेलन एंड हर्ड आइलैंड्स, ये सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं पहले कॉलोनियल जो ब्रिटिशर्स थे, फ्रांसिस थे, पुर्तगालीज थे, उन्होंने इनको किया था और अब इनके ऊपर वो क्लेम करते रहते हैं। तो फ्रांस यहां पर मौजूद है इंडियन ओशन में, आप देखो कहां फ्रांस है कहां इंडियन ओशन है। तो मॉरिशस, रीयूनियन आइलैंड, ये एक आइलैंड है रीयूनियन, बहुत एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है कि रीयूनियन आइलैंड है वो कौन से कंट्री का मतलब इसके ऊपर आधिपत्य है, तो वो है फ्रांस। ओके, एंड रीयूनियन आइलैंड इज इन द इंडियन ओशन, तो ये इंडियन ओशन के आइलैंड्स हैं। आपको इसलिए मैंने पढ़वाया है कि अगर आ जाए एग्जाम में तो आपको पता चले कि अच्छा कोकोस नाम का भी कोई चीज होती है एंड वी हैव रेड इट इन इंडियन ओशन। तो दिस इज यूजफुल फॉर आवर इंडियन अपन जनरल नॉलेज के लिए भी ठीक है, जनरल स्टडीज में भी पूछा जा सकता है, जो ज्योग्राफी का कुछ भी हो, ओशन से रिलेटेड हो, ओशनोग्राफी में भी पूछा जा सकता है, तो सब जगह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्टूडेंट्स रिवर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है इसमें बहुत सारी, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब इसकी पीडीएफ आईएफएस की एप्लीकेशन पर तो आपको मिलेगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसको जब आप डाउनलोड करके इसको जूम करके देखेंगे जैसे मैं दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये देखो सब तरह की तो रिवर्स हैं यहाँ पर और सब तरह के आइलैंड्स दे रखे हैं, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आपके सामने मैप है, लक्षद्वीप, अंडमान, मालदीव, सोकोत्रा, सेशेल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, रीयूनियन, फागोस आर्पलिगो, ओके, सुमात्रा, और साथ में ट्रेंचेस भी दे रखी है, तो ये बड़ा बड़ा लग रहा है बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसमें ट्रेंचेस भी हैं, इसके अंदर आइलैंड्स भी हैं और साथ ही साथ में रिवर्स भी दे रखी है। ओके, तो जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स बता रखी है, इंपॉर्टेंट रिवर्स आर इंडस, गंगा, जम्बेजी, सट अल अरब, जम्बेजी, ये देखो ये है जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है इंडियन ओशन की, इंडस, गंगा, जम्बेजी, सट अल अरब, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, जुब्बा, इरावदी, इरावदी का है अपने जो म्यांमार के अंदर जो बहती है। तो आप इसमें नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स कि सारी की मेजर जो रिवर्स है अपने इंडिया में बह रही है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगी इसका नाम इंडियन ओशन क्यों है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंडस हमारे इंडिया से होकर जाती है, गंगा हमारी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, इरावदी भी इधर साउथ ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट अपने एशिया के पास में ही है, नर्मदा अपने है, तो ये सारी की सारी जो मेजर रिवर्स हैं ये अपने इंडिया के अंदर ही और ये सारी की सारी इंडियन ओशन के अंदर जाकर मर्ज होती है। और आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, देखो ये देखो ओरांग, जम्बेजी कहाँ है? जम्बेजी अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। जम्बेजी रिवर कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में, यहां से यहां ये फ्लो करती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है। और देखो इंपॉर्टेंट, सुवाज कैनल कहाँ है? अगर आपको पूछ ले सुवाज कैनल जो कि इजिप्ट में है, ठीक है, तो सुवाज कैनल कौन से ओशन में है? तो आपको बोलना है इंडियन ओशन। ओके, गल्फ ऑफ अकाबा, एक फैक्ट मैं अभी बता दूं कि मेडिटेरेनियन सी जो कि यूरोप के अंदर है, तो मेडिटेरेनियन सी और ये जो रेड सी दिख रहा है आपको ये नीचे वाला,
दिस वन, ये है रेड सी। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने वाली जो वाटर बॉडी है उसे वो है स्वेज कैनल। ये आर्टिफिशियल है, मैनमेड है। तो स्वेज कैनल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में जोड़ता है। देखो इस जगह ये दिख रहा है आपको, दिस वन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट भी है। पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता था स्टूडेंट्स, देखो जब स्वेज कैनल नहीं थी ना, तब हमें इंडिया को जब वेस्टर्न कंट्री से ट्रेड करना पड़ता था, तो पूरा अफ्रीका घूम के इस साइड जाना पड़ता था, समझ रहे हो? अपने यहां पूरा साउथ जो अपना अफ्रीका है उसको चक्कर लगाना पड़ता था। पर जब से ये स्वेज कैनल खुली है, तब अपन यहां इसको यूज करके सीधा सेंट्रल एशियन यूरोपियन कंट्रीज में एंटर हो सकते, है ना? अच्छा, मजे की बात। तो ये आपको याद रखना है स्वेज कैनल कहां है। उसके बाद में टू ऑफ एशियाज बिगेस्ट रिवर्स, गंगा और इंडस, सिंधु नदी और गंगा नदी जो कि इंडियन ओशन में बहती है, आप देख पा रहे हो। इंडस नदी अपने चाइना से स्टार्ट होती है, इंडिया में बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान से फिर बाद में इंडियन अरेबियन सी में गिर जाती है, ओके? और जो गंगा नदी है वो गंगोत्री से निकलकर और बांग्लादेश के अंदर फ्लो करके सुंदरवन डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर। तो ये जो है, ये दिख रहा है आपको, ये तो बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, और सिंधु नदी है वो अरेबियन सी में। एंड दीज बोथ वाटर बॉडीज, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, बोथ आर द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन ओनली, ओके? इसलिए इंडियन, अब ये जो दो रिवर्स है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत लंबी एक तो नदियां हैं और बहुत सारा इसमें सेडिमेंट होता है, इसलिए इन रिवर्स के कारण इंडियन ओशन के अंदर सबसे ज्यादा रिवर सेडिमेंट मौजूद है दुनिया के अंदर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि इन विच ओशन लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रिवर सेडिमेंट इन द वर्ल्ड प्रेजेंट, तो आपको कहना है इंडियन ओशन, ओके? और ये जो दो नदियां हैं, ये इस तरह के एलुवियल फेंस बनाती हैं आपके लिए। दीज आर कॉल्ड एलुवियल फेंस, जो कि जब रिवर हमारे ओशंस के अंदर जब जाती है तो डीप सी फेंस बोलते हैं इनको। फ्यूवल सेल्स भी फैन शेप हो जाती है, मतलब नहीं होता अपन पंखा डालते हैं हम लोग को गर्मी लगती, तो वो फैन शेप की जो चीज, जो लैंड, जो अपना फीचर है सॉरी ओशन का, इट इज कॉल्ड फ्यूवल फैन या फिर एलुवियल फैन, ओके? देखो इस तरह से थोड़ा सा जूम करके बताता हूं, ये देखो, ठीक है? जैसे रिवर आ रही है, रिवर आने के बाद में ये देखो फैन शेप ले लेता है, डेल्टा जिसको बोलते हैं ना, डेल्टा बनता है। तो बेसिकली डेल्टा तो यहां बन रहा है, दिस इज द पार्ट, और ये होता है एलुवियल फैन। ये बहुत ही ज्यादा जो है फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, तो यहां पर फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, तो फर्टाइल प्लेन्स होने के कारण यहां पर खूब सारा एग्रीकल्चर होता है, और जो वेटलैंड्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्वाम्स बोलते हैं वेटलैंड्स, तो यहाँ पर बायोडायवर्सिटी बहुत रिच होती है। और यहाँ ये क्या है, दीज आर द सेडिमेंट्स जो कि ये रिवर लेकर आई थी, यहाँ पर आके स्लो हो जाती है, जो इसका मुंह होता है ना, जहां ये मिलना स्टार्ट करती है ओशन से, तो द रिवर्स गेट स्लो, और स्लो होने के कारण जो भी अपने साथ में जो मिट्टी लेकर आ रही है वो यहाँ पर डिपॉजिट करती हुई चलती है, ओके? तो दिस इज कॉल्ड एलुवियल फैन। उसके बाद में स्टूडेंट्स एक एस्पेक्ट दे रखा है इसमें कि जो भी ओशंस हमारे दुनिया में है उनकी जो करंट्स बहती हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, जिस डायरेक्शन में वो चलेगी। जो गल्फ स्ट्रीम मैंने बताया था आपको कि गल्फ ऑफ मेक्सिको से चलती है और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका तक जाती है, ये हर वक्त जाती है, जैसे विंटर हो समर हो कोई फर्क नहीं है, गल्फ स्ट्रीम एक ही दिशा में जाएगी। बट अपने इंडियन ओशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, समर में तो इस तरह से जाएगी, देखो जूम करके दिखाता हूं, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि विंटर के अंदर मानसून की जो विंड्स हैं वो अफ्रीका की तरफ आती है। हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में लेके देख लेते हैं कि हमारे जब मानसून आता है स्टूडेंट्स, तो इक्वेटर से हमारी तरफ क्या आती है, हवाएं आती है, मास्करी बे से हवा अपनी तरफ आती है, साउथ वेस्ट मानसून में आती है। एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, जैसे ये इंडिया है, तो इस तरह से हवाएं चलती है और इसी तरह से स्ट्रीम चलती है, देख पा रहे हो आप, दिस इज द मैप ऑफ समर,
जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है तो बेसिकली जो डॉट डॉट लाइन है ये तो है इक्वेटर, ये जो डॉट डॉट लाइन जा रही है लंबी सीधी, दिस इज द इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर हमारा इंडिया है। तो समर्स के अंदर ये जो लाइन्स, ये जो विंड्स हैं वो इस तरह से फ्लो करती है और इसी तरह से ओशन करंट्स फ्लो करती है। ओके, अब जैसे हो गया मानसून का टाइम कब से कब होता है, जून से लेकर सेप्टेम्बर तक, मिड सेप्टेम्बर तक। हम लोग कहाँ है अभी, मिड सेप्टेम्बर में। तो अब ये जो फिनोमिनन है ये रिवर्स हो जाए, क्या हो जाएगा, इस तरह से होने लग जाए। अभी जो ओशन करंट जो इस तरफ जा रही थी वो अब इस तरफ आने लगेगी, अफ्रीका की तरफ जाएगी, इसमें यही बोल रहा है। ठीक है, चिकू हाउ टू एनरोल सर, यू कैन डाउनलोड अवर एप्लीकेशन ifsonline.com। ओके, ये देखो, आप हमारा एप्लीकेशन सर्च करेंगे ना, या तो आप इसको अभी स्कैन कर सकते हो फोन से, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में जाइए और ifasonline सर्च कीजिए, तो वहां पर आपको इस तरह से लोगों के साथ में एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर के। ओके, तो वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। प्लस आप अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप ifasonline.com इस साइट पर जाकर भी अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, ऊपर वाला जो मैप है वो है समर का और नीचे वाला जो मैप है वो है विंटर्स का। तो बेसिकली इंडियन ओशन सिर्फ एक ऐसा ओशन है जहां पर करंट्स भी रिवर्स हो जाती है, एंड हमको ये याद करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज हमारा जो मानसून है वो इसी तरह वर्क करता है। ऊपर जो है ओशन करंट्स भी उसी दिशा में बह रही है और विंड्स भी उसी दिशा में बह रही है, क्योंकि जो ओशन करंट्स होती हैं उनको विंड इंपैक्ट करता है। और अब सितंबर आ गया तो सितंबर नवंबर दिसंबर में ये रिवर्स हो जाएगा, इसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। ऑलराइट, चलो फिर आता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर। तो एक फैक्ट और है आपके सामने, इंडियन ओशन इज द वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इंडियन ओशन दुनिया का सबसे गर्म ओशन है, ये फैक्ट है, ये आपको पूछा जाता। वेलकम विक्रांत, वेलकम सोनल। चलो आइए, इट इज अफेक्टेड बाय ए मानसून क्लाइमेट विच अकाउंट्स फॉर ए कैरेक्टरिस्टिक रिवर्सल ऑफ सरफेस विंड्स। ये हम लोग कर चुके हैं कि मानसून की वजह से, मानसून जो फिनोमिनन है उसकी वजह से हमारी जो करंट्स हैं वो रिवर्स हो जाती है। ओके, या फिर ये सकते हैं कि जो अपना मानसून है, मतलब ये इंटरकनेक्टेड है, बेसिकली ओशन करंट्स भी इंपैक्ट करती है मानसून को, मानसून भी इंपैक्ट करता है, बट मानसून इज मोर डोमिनेंट ओवर ओशन करंट्स। तो विंटर में ये इसकी जो डायरेक्शन है वही रिवर्स कर देगा। तो ये आपको फैक्ट याद रह जाएगा, इंडियन ओशन सबसे गर्म ओशन है। और ये जो आपके सामने ये जो मैप है, इट इज हीट मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आप देख पा रहे होगे सबसे ज्यादा जो डार्क एरिया है वो अरेबियन सी है, अपना बे ऑफ बंगाल है। और अगर अब इसमें और डीप आपसे पूछ ले कि बे ऑफ बंगाल ज्यादा गर्म है कि अरेबियन सी ज्यादा गर्म है, तो आप कहोगे अरेबियन सी इज मोर वार्मर देन बे ऑफ बंगाल इन इंडिया, है ना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखना है, आपको याद रह जाएगा, दिस इज द अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में क्या होता है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर हाई होते हैं, इवोपरेशन कम होता है, तो यहाँ पे सेलिनिटी भी ज्यादा है। तो अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि अरेबियन सी के अंदर ज्यादा सेलिनिटी है कि बे ऑफ बंगाल में सेलिनिटी ज्यादा है, तो आप कहेंगे अरेबियन सी में ज्यादा सेलिनिटी है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर हाई टेम्परेचर हो जाता है, और हाई टेम्परेचर होता है उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है। दूसरा रीजन ये है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर आप देखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो मेजर जो रिवर्स हमारी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, जो भी नदियां हैं वो ज्यादातर बे ऑफ बंगाल के अंदर ही आती है, तो उसमें फ्रेश वाटर आता रहता है। ओके, तीसरा रीजन है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे ज्यादा अपने बे ऑफ बंगाल में ही आते हैं, तो वो भी पानी को जो है स्टेबल रहने नहीं देते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहती है यहाँ पर। चलिए, तो ये समझ में आया क्या है। उसके बाद में
सेकंड फैक्टर इज ये देखो एवरेज टेम्परेचर कितना है, अगर पूछ ले दिस इज जस्ट फॉर योर नोट्स पर्पस, जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसके लिए डेटा है कि एवरेज टेम्परेचर इक्वेटर के पास में, दिस इज द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में इंडियन ओशन का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और 1901 से इस टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुए जा रही है, एंड द रीजन यू नो बिकॉज ऑफ हमारी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस निकल रही हैं उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इंडियन ओशन को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। ये समझ में आया? आगे बढ़े तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं जरूर सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपकमिंग जो भी हमारे वीडियोज आते हैं नोटिफिकेशन बेल ऑन रख लीजिए, जैसे ही लेक्चर चालू होगा, वैसे भी ये जो सीरीज चल रही है 10 से 11 चलेगी, आपने जब तक एग्जाम चलेगा तब तक ये कंटिन्यू रखेगी। और यूजीसी नेट सेट के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं 20 और 18 सितंबर से, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे हम अपना ज्योग्राफी है तो 20 सितंबर से अपने बैचेस, आज से ही नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं। एंड अलोंग विद इट आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जामिनेशन में हमारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है इसको हम लोग ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, उसमें बेसिक ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी उसमें आती है, और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान भी आती है और जीके भी आता है, तो इसमें सब कुछ कवर होता है। इसके बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, अब है इंडियन ओशन की कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ विशेषता है, दिस इज ऑल्सो फॉर द पहला विशेषता क्या थी, टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने जाना, सबसे वार्मेस्ट है, एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री है, वो 1901 से इंक्रीज हुए जा रहा है, और टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है सरफेस का, इंडियन ओशन के सरफेस का, द रीजन इज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब हो रहा है। दूसरी है अपनी लवणता, जिसको हम लोग सैलिनिटी कहते हैं हिंदी में इसको लवणता कहते हैं, बेसिकली तापमान पड़ा, लवणता, सैलिनिटी, कितना सॉल्ट डिजॉल्व है पर्टिकुलर वाटर बॉडी में उसको कहते हैं सैलिनिटी। तो इंडियन ओशियन की जो सैलिनिटी है वो नॉर्दर्न रीजन में, मतलब अपने अरेबियन सी में सबसे ज्यादा है, अरेबियन सी में, इंडियन ओशियन के अंदर अरेबियन सी इज द सॉल्टीएस्ट बॉडी ऑफ अरेबियन सी। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और ऐसा क्यों होता है, मैं रीजन बता चुका हूं कि इवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है, बस प्रिसिपिटेशन मतलब रेनफॉल वो उतनी नहीं होती है इस रीजन के। ओके, द लीस्ट सेलाइन रीजन ऑफ इंडियन ओशन इज बे ऑफ बंगाल। देखो कितना ज्यादा, कितना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अरेबियन सी सबसे ज्यादा सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी है इंडियन ओशन के अंदर, और वहीं पर बे ऑफ बंगाल लीस्ट सेलाइन है, सबसे कम सेल वाटर बॉडी है, और इसके बीच में अपना इंडिया प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो वेरिएशन, देख रहे हो सेलिनिटी के अंदर कितनी ज्यादा है, एंड दिस इज ड्यू टू, ये क्यों है, क्योंकि मैंने बताया सारी की सारी जो रिवर्स हैं वो, क्योंकि आपको पता है इधर सिर्फ नर्मदा और तापी ही फ्लो करती है, जो मेजर बड़ी रिवर्स हैं, लूनी यहां से आती है वो यहीं पर आके रह जाती है ना, तो अपनी जो भी गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, जो मैंने बताया आपको, ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं, महानदी, सारी की सारी जो रिवर्स है वो यहां पर इसके अंदर आकर मर्ज हो जाती है। ठीक है, देखो इसमें लिख भी रखा है इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर रिवर्स एंड हाई अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। मैंने बताया इसमें साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स भी सबसे ज्यादा आते हैं, और बारिश भी इस रीजन में सबसे ज्यादा होती है, और फ्रेश वाटर का इनफ्लो भी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए दिस इज द लीस्ट सॉल्टीएस्ट सैलिनिटी एरिया, और दिस इज मोस्ट। चलो करेक्टरिस्टिक को पैसिफिक नहीं है, दिस इज द इंडियन ओशन, ये लिखा नहीं गया है ढंग से, गलत लिखा गया है इंडियन। तीसरा अपना करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स वाटर सर्कुलेशन, ये है अपना वाटर सर्कुलेशन। देखो यहां पर एक टर्म आई है स्टूडेंट्स, जायर्स, इनको कोई कोई गायर्स भी बोल देता है, जायर्स भी बोल देता है, आपके अपने ऊपर डिपेंड है इसको आप क्या बोलते हो, जायर्स, हम लोग जायर्स बोल देते हैं।
जायर्स की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कभी कभी। तो जायर्स की डेफिनेशन क्या है? सिस्टम ऑफ सर्कुलेटिंग ओशन करंट, ओशन करंट जो सर्कुलेट करती है उसके सिस्टम को कहा जाता है अपने इंडियन मतलब जायर्स कहा जाता है। ओके, एक जो जायर है वो नॉर्दर्न पार्ट में है विच फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द सेकेंड इज इन सदर्न पार्ट विच फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखो, ये जो जायर है वो तो अपना क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये जो जायर है ये अपना एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो दो तरह के जायर्स होते हैं इंडियन ओशन के अंदर। ये देखो, एक जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सारे पैसिफिक भी इसी, पैसिफिक की जो करंट्स है वो भी इसी तरह से मूव करती है और अटलांटिक की भी इसी करती है और अटलांटिक की भी इसी तरह से करती है और इंडियन ओशन की भी इसी तरह से करती है। ओके, और अपनी जो करंट्स है इसमें देखो पांचवी बार कहा गया है कि जो हमारी इंडियन ओशन की जो करंट्स होती है वो मानसून से इंपैक्ट होती है, हमारे सीजनल रिवर्सल हो जाता है इन करंट्स का और ये एक इकलौता ऐसा पहला ओशन। फिर आता है वाटरवेज। आपको मैंने बताया कि रेड सी, ये है रेड सी और वो जो है आगे वो है मेडिटेरियन सी। रेड सी को मेडिटेरियन सी से कौन जोड़ता है? इट इज जॉइंड बाय स्वेज कैनल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मैंने बता दिया था आपको कि रेड सी को मेडिटेरियन सी से स्वेज कैनल जोड़ती है। ओके, अपने जो इंडियन ओशन के अंदर चार वाटरवे है जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है स्वेज कैनल, दूसरी है बब अल मंडप, थर्ड इज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एंड द फोर्थ इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इनको सबको जानते हैं कि एग्जैक्टली कहां कहां है। देखिए, ये तो है अपनी स्वेज कैनल दिख गई आपको और वहीं पर रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में बब अल मंडप नाम का ये जो चोक पॉइंट है, ये जगह है, दिस इज द सी रूट। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है क्योंकि यहां से जो भी अपने एशिया से जो भी चीजें जाएंगी वो इसके होकर, इसको यहां पर होकर गुजरेगी। सपोज करो कोई अटैक में, वॉर में अगर यहां पर किसी ने कंट्रोल कर लिया तो पूरी तरह से जो इंडिया से जो ट्रेड आ रहा है हमारा, देखो अरेबियन सी है, अरेबियन सी का मतलब होता है कि यहां पर इंडियन ओशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आने वाला है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट वाटर वे ऑफ इंडियन ओशन इज बल अब मंडप, फिर बाद में आता है तीसरा, आता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये देखो दिख रही है आपको, दिस इज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये पर्शियन गल्फ को जोड़ती है अपने इंडियन ओशन से, अरेबियन सी, दिख रहा है, ये अरेबियन सी है और ये है पर्शियन गल्फ और इसको जोड़ती है। अब यहाँ पे कितने सारे जो यहाँ पर जो ऑयल है वो बहुत ज्यादा निकलता है, दैट्स व्हाई दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो कुवैत, बहरीन, कतर, ईरान, यूएई एंड इराक, इतने सारे कंट्रीज हैं इसको बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। उसके बाद में स्टूडेंट्स फोर्थ इसमें है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखो, ये देखो मेडिटेरियन सी और रेड सी से जोड़ने वाली जो स्वेज कैनल है उसकी ऊपर से ड्रोन का एक शूट लिया गया है। तो देखो किस तरह से इसको एक तरह से चैनल रिवर की तरह ये फ्लो कर रही है, चैनल की तरह जुड़ रही है। ठीक है, स्वेज कैनल सबसे ज्यादा बिजी और सबसे ज्यादा यूज होने वाला वाटरवे है और देखो वापस आ गया, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। बेसिकली रेड सी तो एशिया में है और मेडिटेरेनियन सी यूरोप में है, तो एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली जो वाटरवे है दैट इज स्वेज कैनल। तो अगर ये भी क्वेश्चन अगर आपके आ जाए एग्जाम के अंदर तो वो आपको सही करके आ। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो फोर्थ इंपॉर्टेंट रिवर है वो अपनी इंडोनेशिया और सिंगापुर के, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना जो है, चाइना का जो एक्सेस है वो इसी से होकर अपने अंडमान सी में इंडियन ओशन में आएगा। सपोज करो दिस इज द, देखो ये चाइना है, चाइना है, उसके पास यही एक तरीका होता है इंडियन ओशन में एंटर करने का और उसके पास कोई भी नहीं है। तो यहां अगर इन लोगों ने इसको, दीज आर कॉल्ड चोक पॉइंट्स, मैं पढ़ाऊंगा अभी एक लेक्चर चोक पॉइंट्स पे लूंगा, ये जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो रूट्स हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चाइना को अगर इंडियन ओशन के अंदर एक्सेस चाहिए तो यहां से आना पड़ेगा और बाद में या फिर सुंडा से आना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा घूम जाएगा, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता है चाइना और ये जो साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस है चाइना की इनकी तो किसी की बनती नहीं है, तो बड़े ही उसको रोकते हैं यहाँ ये, अगर हम लोग कंट्रोल कर लें तो यहां अपन चाइना को रोक सकते हैं। और दूसरा है अंडमान सी, ये देखो जैसे ही चाइना अगर यहां से निकल भी गया तो वो आएगा हमारे अंडमान सी के ऊपर, तो हम लोग अंडमान एंड निकोबार में के अंदर भी हमारी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। तो ये जब ये सब क्या है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। अब इंडिया चाइना में प्रॉब्लम्स चल रही है तो फिर हमें अंडमान सी को पता होना चाहिए कि कहां पर है, स्टेट ऑफ मलक्का पता होना चाहिए, कौन सा बॉर्डर लग रहा है, बस इसी तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कमीशन चेक करता है कि वेदर द स्टूडेंट इज अप टू डेट विद द वर्ल्ड अफेयर और नॉट, उसको ज्ञान है कि नहीं करंट का, तो ये अपना सिलेबस में भी है प्लस करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, दोनों काम हो रहे हैं। साउथ चाइना सी सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड सी है क्योंकि इसके अंदर वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, जापान, ताइवान, हांगकांग सब यहां पर मौजूद है, और ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली क्योंकि यहां पर चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा है पूरा, ठीक है। एक छोटा सा बता दूं कि एक इसमें लिखा हुआ देखो लक्कादीव सी दिख रहा है, ये कुछ एग्जाम में पूछा गया था ये वाला कि लक्कादीव जो सी है वो कहां पर मौजूद है, तो ये इंडियन ओशन में, और जो मालदीव्स हैं वो लक्कादीव सी के अंदर ही है, इसमें है लक्कादीव सी के अंदर। लक्कादीव सी बेसिकली मालदीव और इंडिया को अलग करने वाला जो सी है, वाटर बॉडी है, वो लक्कादीव सी है, तो ये आपको याद रखना है। अब एक और है छोटा सा फैक्ट है आपके सामने कि 40% दुनिया का ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन, दो तरह के ऑयल प्रोडक्शन होते हैं, या ये आपके सामने जो दिख रहा है दिस इज ऑफशोर, जो कि अपने जमीन से दूर समुद्र में स्थित है, वहां से समुद्र के ओशन फ्लोर से निकलता है तेल, और दूसरा होता है ऑनशोर। ऑनशोर का मतलब होता है लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर जो अपने ड्रिलिंग करके हम लोग एक्सेस करते हैं ऑयल को, उसको कहा जाता है ऑनशोर, और जो समुद्र से दूर होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑफशोर। तो 40% ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन इंडियन ओशन के अंदर होता है, अंडरस्टूड, क्योंकि सारे के सारे जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वो अपने एशिया में ही आते हैं और सबसे ज्यादा ऑयल उन्हीं के पास है। इंडियन ओशन सुनामी आई थी 2004 के अंदर, दुनिया का सबसे डेडलीस्ट डिजास्टर इसको माना जाता है। हुआ कैसे था, इंडोनेशिया के अंदर अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक कितना मैग्नीट्यूड का था, 9.1 मैग्नीट्यूड का था, उसकी वजह से क्या हुआ, ओशन के अंदर तरंगे बनी, सेस्मिक वेव्स बनी, उससे क्या हुई, सेस्मिक वेव से अपनी जो है सुनामी की वेव्स बनी, और ये जो सुनामी है वो इंडियन ओशन में आई थी और 14 कंट्रीज को इफेक्ट हुई थी, 14 कंट्रीज को इफेक्ट किया था इस सुनामी ने। दिस इज द रियल फोटो, आप देखो कितनी डिजास्ट्रस है, और ये जो सुनामी नाम है ये जापानीज वर्ड है सुनामी, कितने लोग की मतलब कितने लोगों की डेथ हुई थी, 225,000 पीपल वर किल्ड इन सुनामी इन 2004। तो बेसिकली हमें कुछ सुनामी के बारे में पता होना चाहिए, और ये जो मैग्नीट्यूड है इसको नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं, कौन सा स्केल है ये, इसे कहा जाता है रिक्टर स्केल, ठीक है। सबसे पहले जो वेव्स आती हैं उसको कौन सा डिवाइस रीड करता है, उसे कहा जाता है सेस्मोग्राम, क्या कहते हैं, सेस्मोग्राम। और जो स्केल की कितनी एनर्जी रिलीज हुई अर्थक्वेक के द्वारा उसको मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल के द्वारा। तो जो नंबर दिखते हैं ना आपको 7.7, 6.2, 9.1, बेसिकली इट इज द मेजरमेंट बाय द रिक्टर स्केल। स्केल होता है कि 1 मैग्नीट्यूड में इतना नुकसान होगा, 2 में इतना होगा, 9 में इतना होगा, तो 9 इज द लाइक सबसे टॉप मोस्ट जो लेवल है वो 9 है, ओके? ये समझ में आ गया। इंडियन ओशन की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है स्टूडेंट, द डीपेस्ट प्लेस, ये डीपेस्ट पॉइंट इन इंडियन ओशन इज जावा ट्रेंच, क्या बोलते हैं इसको, जावा ट्रेंच, ठीक है। मरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक की सबसे नीचे है वो 11,000 मीटर मतलब 11 किलोमीटर के लगभग है, और वहीं जो जावा ट्रेंच है अपनी वो 7187 मीटर्स
7 किलोमीटर नीचे है जावा ट्रेंच, और ये रही जावा ट्रेंच के सामने, ठीक है। सी द लोकेशन ऑफ जावा ट्रेंच, जो अपना इंडिया है, इंडिया, और ये अपना आ गया सिंगापुर, सिंगापुर के पास। और ये जो ट्रेंच है नहीं, ऐसे नहीं कि छोटी सी है, ये आपको जो ब्लैक लाइन दिख रही है जो कि अपने अंडमान से होकर स्टार्ट होती है और पूरी आगे तक अपने ऑस्ट्रेलिया तक जा रही है, ये पूरी जावा ट्रेंच है। और ये जो जावा ट्रेंच है, इसी मतलब ये ही जो है अपनी इंडियन ओशन की डीपेस्ट प्लेस है। ओके, इंडियन ओशन को कभी कभी लैंडलॉक कंट्री भी कह दिया जाता है। क्यों कह दिया जाता है, थोड़ा सा आप इस मैप को देखेंगे तो देखो, नीचे तो अंटार्कटिक से घिरा हुआ है, यहां पर अफ्रीका है, ऊपर एशिया है, लेफ्ट के अंदर साउथ ईस्ट एशिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो बेसिकली यहां पर मौजूद है ना, इसको कभी कभी लैंडलॉक्ड ओशन भी कह दिया जाता है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो इंडियन ओशन करके आना। और इंडियन ओशन इस रीजन के अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन तो बहुत ज्यादा होता है पर प्रेसिपिटेशन कम होता है, इसकी वजह से इसके अंदर ओशन भी कम होती है। और जो दूसरे ओशंस के मुकाबले इंडियन ओशन के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है, क्योंकि पानी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होकर आती है फ्रेश वाटर में। सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप आईएफएएस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, आईएफएएस, ठीक है, ये आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, उसमें आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ एक्सेस हो जाएगी। साथ ही साथ में डीपीपीस डेली के जो प्रैक्टिस पेपर्स हम लोग देते हैं आपको, जैसे ये जो सेशन है इसी के अंदर से आपको जो है 5 to 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप इसको पहले तो वीडियो देख लिया आपने, फिर इसके पीडीएफ से आप लोगों ने रिवीजन कर लिया, और रिवीजन करने के बाद में आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया तो आपका ये पूरी तरह से रेडी हो, ठीक है ना, ठीक आइडिया। तो आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। और सुबह लेक्चर इसलिए लेता हूं मैं कि जैसे कि जो दिन की शुरुआत है वो अपने अच्छे के साथ हो, कि हाँ मैंने वन आवर अच्छे से पढ़ लिया, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई, ठीक है। तो आप सभी लोग 10 बजे जुड़ जाए कीजिए रोज, ओके। चलो, थर्ड ओशन इज आर्कटिक ओशन, ओके। फोर्थ ओशन पैसिफिक पढ़ लिया, अटलांटिक पढ़ लिया, इंडियन पढ़ लिया, अब है हमारा आर्कटिक ओशन। आर्कटिक आप देख पा रहे हो, जो अपना नॉर्थ पोल है उसके अराउंड आर्कटिक ओशन है, रशिया, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है, ये इस एरिया के अंदर मौजूद है। बेसिकली आपको साथ में बाउंड्री भी बता दी कि आर्कटिक ओशन एग्जैक्टली है कहां पर। कुछ फैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपको याद रखना है। आर्कटिक ओशन सबसे छोटा, सबसे ठंडा, सबसे शैलोएस्ट, इसका जो एवरेज डेप्थ है ना वो सिर्फ 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इज द एवरेज डेप्थ ऑफ आर्कटिक ओशन, और मोस्ट फ्रोजन ओशन इन द अर्थ। तो ये चारों के चारों आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज द कोल्डेस्ट ओशन। ओके, तो सॉल्टीएस्ट तो है अटलांटिक, डीपेस्ट है पैसिफिक, ओके, लार्जेस्ट पैसिफिक, पर जो स्मॉलेस्ट है वो है आर्कटिक, कोल्डेस्ट वो भी आर्कटिक, शैलोएस्ट वो भी आर्कटिक, और मोस्ट फ्रोजन जो ओशन है, सबसे ज्यादा वार्म ओशन कौन सा था, इंडियन ओशन था, सबसे ज्यादा कोल्ड ओशन कौन सा है, आर्कटिक ओशन है। बस इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आर्कटिक जो ओशन, इसका जो वर्ड है कहां से आया है, वो आया है आर्कटोक्स, और आर्कटोक्स का मतलब होता है बेयर इन ग्रीक, ग्रीक के अंदर जो आर्कटोस है उसका मतलब होता है बियर, और आपको पता है जो पोलर बियर्स होते हैं वो आपने आर्कटिक ओशन, आर्कटिक जो रीजन में ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसका नाम आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन इसका नाम रख दिया, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर पोलर बियर्स खूब है। आर्कटिक सिर्फ 4% ऑफ अर्थ सरफेस कवर करता है, ओके, मतलब देखो ना 80% ऑफ साइज ऑफ रशिया, मतलब जो जितना बड़ा रशिया है जो कि सबसे बड़ा अपना देश है, उसका 80% है। बेसिकली आप ऐसे मान लो यूएसए और रशिया के बीच में जो अपना लैंडफॉर्म है उसके बराबर का है, तो ज्यादा बड़ा नहीं है ये आर्कटिक ओशन। और मैंने आपको बताया था कि एवरेज डेप्थ कितनी है, 1 किलोमीटर है सिर्फ एवरेज डेप्थ। आर्कटिक ओशन के अंदर सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, डीपेस्ट प्लेस कौन सी है,
अपने इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच थी, है ना, वैसे ही अपने आर्कटिक ओशन के अंदर जो डीपेस्ट प्लेस है उसका नाम है मोली होल। क्या नाम है? मोली होल। याद रह जाएगा आपको, ये आपको याद रखने इस, देखो ये जो है इसको आपको पूरे को याद कर लो कि ये वाली जो ट्रेंच है पोर्टोरिको ट्रेंच, वो अपने अटलांटिक ओशन की सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। फिर आता है साउथ सैंडविच ट्रेंच, ये अपनी अंटार्कटिक ओशन जो हम लोग पढ़ेंगे ना अभी, उसकी सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट है। तीसरा है अपना जावा ट्रेंच, ये इंडियन ओशन की है। फिर है मरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक की है, और फिफ्थ है अपनी मोली डीप, ये है अपना आर्कटिक का। तो ये इस तरह से पांचों आपके डीप हैं, तो ये आप डायग्राम रेफर कर लेना, आपको पता चल जाएगा, और इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, आपको साथ साथ में नाम भी दे रखा है और आपको इसमें इनकी डेप्थ भी दे रखी है, तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो और ज्यादा नोट्स पर्पस के लिए है, अटलांटिक ओशन के अंदर जो डीप है, जो जिस पॉइंट को कहते हैं उसको कहा जाता है ब्राउन सन डीप, अंटार्कटिका के अंदर फैक्टोरियन डीप, इंडियन ओशन में कोई नाम नहीं है किसी भी डीप का, बस जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, पैसिफिक ओशन के अंदर चैलेंजर डीप, और आर्कटिक ओशन के अंदर मोली होल। ये आपको पता होना चाहिए सारे के सारे। ये देखो अब आपको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोनस है आप लोगों के लिए कि सबसे डीपेस्ट ट्रेंच पता है मरियाना ट्रेंच है, सेकेंड डीपेस्ट कौन सी है? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सेकेंड डीपेस्ट जो ट्रेंच है वो है होरिजोन डीप। क्या है? होरिजोन डीप, वो भी पैसिफिक ओशन के अंदर ही है, और उसका नाम क्या है? उस ये जो डीप है, ये जो पॉइंट है, ये कौन से ट्रेंचेस में है? ये है अपना टोंगा ट्रेंच, और टोंगा पैसिफिक के अंदर। आर्कटिक ओशन का जो टेम्परेचर रहता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है, विंटर के अंदर तो कंप्लीटली फ्रोजन रहता है, एकदम फ्रीज रहता है। समर के अंदर क्या होता है कि थोड़ी जो आइस होती है, जो जम जाती है विंटर के अंदर, वो थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना स्टार्ट होती है, ठीक है ना, कभी कभी तो पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है, तो आपको पानी विजिबल हो जाएगा समर्स के अंदर, पर विंटर्स में ऐसा सिचुएशन नहीं होगी। अब आइस कैसे कलर की होती है? जमती है तो व्हाइट कलर हो जाता है, आपको पता है। तो जो व्हाइट कलर होता है ना स्टूडेंट्स, वो जो सनलाइट आती है उसको अब्सॉर्ब कम करता है एज कंपेरिजन टू डार्कर कलर। तो अब जैसे ही आइस मेल्ट हो जाएगी तो वो क्या होगा, आइस तो व्हाइट थी, पानी थोड़ा ब्लू है, एज कंपेरिजन टू डार्क है कलर के अंदर, तो वो क्या करेगी, जो अपने सनलाइट आ रही उसको अब्सॉर्ब करेगी, उसके कारण भी थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी, और जब गर्मी बढ़ जाएगी तो और भी ज्यादा आइस मेल्ट होगी। तो समर में ये सिचुएशन रहती है आर्कटिक ओशन में, विंटर्स में कंप्लीटली फ्रोजन रहता है आर्कटिक। फिर आती है सेलिनिटी। सेलिनिटी कैसी है, लवणता कैसी है? लीस्ट सेलाइन ओशन है, बहुत ही कम सेलिनिटी रहती है, बिकॉज यहां पर आपको देखो ना एनी टाइम आइस कवर, आइस से कवर रहता है, तो आइस जो होती है वो एक फ्रेश वाटर का सोर्स है, तो आर्कटिक ओशन में बहुत ही कम सेलिनिटी प्रेजेंट है। और ये जो सेलिनिटी कम होने का जो रीजन है, सबसे है कि वहां पर इवोपरेशन नहीं होता, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी होती ही नहीं, ओके? और जो ग्लेशियर्स से जो रिवर्स आती हैं आर्कटिक ओशन में, जो फ्लो करती हैं, वो फ्रेश वाटर लेकर आती हैं। तो दीज टू आर द रीजंस फॉर लेस सेलिनिटी इन आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन के अंदर कम सेलिनिटी के दो कारण है, ये आपको याद रखने। सेलिनिटी बिकम्स इवन लो इन समर ड्यू टू हैवी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। समर में तो और भी ज्यादा एकदम सेलिनिटी कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलने लग जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये नोट्स पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा इसके। और फैक्ट क्या है, B35 आइसबर्ग, ये नाम याद रखो, और ये फोटो है आइसबर्ग का, बहुत बड़ा है ये, 11,000 स्क्वायर किलोमीटर है ये आइसबर्ग, आइसबर्ग जो कि ग्लेशियर से टूटने के बाद में इस तरफ ये बह गया। अंटार्कटिका में 2000 के अंदर ये लिखा हुआ है आपके सामने कि इन 2000 रोज आइस शेल्फ, एक आइस शेल्फ थी, आइस ग्लेशियर थी, वहां से ये टूटा,
और टूटकर इस तरह से अभी प्रेजेंट है आर्कटिक ओशन के अंदर। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है, ठीक है ना। और अब क्या हो रहा है, ये भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ओके, याद रह जाएगा B35 आइसबर्ग। तो इस तरह से क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आर्कटिक ओशन है वो किसी भी इंटरनेशनल लॉ से गवर्न नहीं होता है। आर्कटिक ओशन किसी भी एक नेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं है। कौन सी ट्रीटी ऐसा करती है, वो करती है द लॉ ऑफ सी ट्रीटी। ये जो ट्रीटी है ये, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ अमेरिका और रशिया के बीच में, तो इसलिए ये दोनों डोमिनेंस कर सकते हैं, इसलिए एक ट्रीटी कर ली गई लॉ ऑफ सी ट्रीटी। और इसमें यह कहा गया कि किसी भी एक नेशन का कंट्रोल नहीं है आर्कटिक ओशन के ऊपर। और रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि 25% जो क्रूड ऑयल है वो आर्कटिक ओशन में मौजूद है। नेक्स्ट जो अपना ओशन आता है वो आता है अंटार्कटिक ओशन। ये चौथा बड़ा ओशन है, आर्कटिक सबसे छोटा है। इसको अंटार्कटिक इसलिए कहते हैं स्टूडेंट कि ये अंटार्कटिक है, अंटार्कटिका के चारों तरफ जो है उसने घेर रखा है उसको, अंटार्कटिका अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को, तो इसलिए इसको अंटार्कटिक ओशन को अंटार्कटिक ओशन कहते हैं। नहीं तो इसका नाम है सदर्न ओशन। क्या है, सदर्न ओशन। 6% ऑफ एरिया लेता है ये। और 2000 ईयर के अंदर इसको सेपरेट ओशन का खिताब मतलब रिकॉग्नाइज किया गया। नहीं तो पहले इसको पैसिफिक, इंडियन ओशन इनका ही पार्ट समझकर इसको कंसिडर कर लिया जाता। तो ये आपको ईयर याद रखना है कि 2000 के अंदर इसका जो रिकॉग्निशन हुआ था सेपरेट ओशन के। इसका जो टेम्परेचर है वो -2 degrees से 10 degrees तक रहता है। ओके, विंटर के अंदर ये रहता है और थोड़ा सा मतलब विंटर्स के अंदर लोवेस्ट टेम्परेचर -2 degrees भी चला जाता है और समर से मैक्सिमम टेम्परेचर 10 degrees भी चला जाता है। ठीक है, ये है अपना अंटार्कटिक ओशन। और हम लोग जब करंट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बट आप अभी जान लो कि फॉकलैंड जो करंट है वो अंटार्कटिका के पास में चलती है। सेलिनिटी लेवल ऑफ द सदर्न ओशन अंटार्कटिक ओशन चेंजेस एज यू गो अवे फ्रॉम अंटार्कटिक लैंड। जैसे जैसे हम लोग अंटार्कटिका से दूर जाते हुए चलेंगे वैसे वैसे सेलिनिटी चेंज होती जाएगी। ओके, और ऐसा एक फाउंडेशन हुआ है कि अंटार्कटिका की जो लैंड है उसके पास में सेलिनिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका फुल पूरी तरह से आइस से ढका हुआ है। अब वो आइस मेल्ट कर रही है ना, तो उस सी फ्रेश सी वाटर के चलते अंटार्कटिका के जो आसपास का रीजन है वो सेलिनिटी उसकी कम हो रही है धीरे धीरे। अंटार्कटिका में एक लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट उसका नाम है कोलोसल स्क्विड। ये पाया जाता है, ये इंडियन सदर्न ओशन में है। और इसकी जो ग्रोथ है वो 14 मीटर्स तक हो सकती है। ये देखो रियल फोटो है, इसमें एक इंसान बैठा भी है, इसके साथ में कैसा छोटा सा लग रहा है। 14 मीटर जो लंबाई हो सकती है कोलोसल स्क्विड की, ये अपने अंटार्कटिका ओशन में पाया जाता है। ओके, और इसकी जो आंखें हैं वो किसी भी क्रिएचर से जो भी दुनिया में प्रेजेंट अभी तक जो हमको पता है, सबसे बड़ी आंखें हैं, 27 centimeters बड़ी इसकी आंखें हैं। दिस इज द आईज ऑफ कोलोसल स्क्विड। ओके, एंड दिस इज द लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट ऑफ अर्थ, याद रखिए। डीपेस्ट पॉइंट सदर्न ओशन में कौन सा है? साउथ सैंडविच ट्रेंच है, जो कि 7.2 kilometers डीप है। ये एक्सेप्शन है, वैसे जो एवरेज डेप्थ है वो आर्कटिक ओशन की तो 1 kilometer थी, और अंटार्कटिक ओशन की जो एवरेज डेप्थ है वो है 3.2 kilometers। ओके, और अंटार्कटिक और सदर्न ओशन मिलकर, समझ रहे हो, ये फैक्ट याद रखो, 90% जो धरती का अपनी आइस है वो अंटार्कटिक और सदर्न ओशन मिलकर दोनों कंस्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे ओशंस चारों के चारों, पांचों के पांचों ओशन हम लोगों ने कर लिए हैं। इन प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट पैसिफिक एंड अटलांटिक, एंड इन दिस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट इंडियन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, उनके फैक्ट्स के बारे में जाना। तो ये आपको जब इसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आपके डायरेक्ट
बन सकते हैं। तो आप इसको जो बच्चे बाद में देख रहे हैं आराम से इसको आप तेज करके स्लो करके जैसा भी आप चाहते हैं वैसा देख लो। प्लस आप इसका जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगा हमारे आईएफएस के एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप अपना रजिस्टर करके और अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इसमें हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में देखते हैं क्योंकि एक ही लेक्चर में एक ओशन को कवर करना दैट्स नॉट जस्टिफिकेशन नहीं होता है। बट जो है अगर आप YT ये जो YouTube पर भी रेगुलर रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं 10 बजे और आप जुड़े रहिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।